कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद मोहल्ले के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनका विवाह खंडवा, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, इनका विवाह खंडवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। पंद्रह वर्ष की आयु में ही इन्होंने पहली कविता लिख दी थी। इनके जीवन में विवाह के बाद एक नवीन मोड़ आया। और इन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। इस कारण यह सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगी। और कई बार अपने पति के साथ जेल भी गई थी। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर यह राष्ट्र प्रेम की कथा लिखने लगी। सन 1948 में एक दुर्घटना में इनकी अल्पायु में ही मौत हो गई। इनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल काव्य ग्रंथों में संकलित है। इनके द्वारा लिखित निबंध तथा कहानियाँ बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र और उन्मादिनी नाम से संकलित है।